इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं जब तुम्हारा पार्टनर तुमको सेकंड लव की तरह ट्रीट करे। क्लियरली वो तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि भाई तुम मेरे सेकंड लव हो। फर्स्ट लव मेरा एक्स था या फर्स्ट लव मेरा वही होगा जिससे मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाएंगे, वो मेरा फर्स्ट लव होगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ना भाई, वो एक लड़की के लिए हो सकती है, एक लड़के के लिए हो सकती है, ठीक है। इसलिए वीडियो कंप्लीट एनालिसिस है इस पे कि जब कोई इंसान तुमको सेकंड लव ट्रीट करे या जब कोई इंसान तुम्हारे साथ होते हुए भी अपने एक्स को याद करके तुम्हें नीचा गिराए, जब सिचुएशन उसके हिसाब से तुम ना बना दो, तो भाई ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या उस इंसान को छोड़ देना ही सही रहेगा या उस इंसान को समझाया जा सकता है? अगर समझाया जा सकता है तो कितना समझाना चाहिए? इस वीडियो पे मैं तुम्हें कंप्लीटली परत दर परत ही खोल दूंगा, जहां पे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा मेरे भाई और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे या आबाद करोगे, तुमको ये भी समझ आ जाएगा। वीडियो में बने रहना और वीडियो को स्किप करने की कोशिश करोगे तो भाई पूरी जिंदगी तुम्हारी कोशिश में निकल जाएगी इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए भाई, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज यहां पे तुमसे क्लियर करना चाहता हूं अच्छे तरीके से मेरे दोस्त। देखो, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, दोनों चीजें तब चलती हैं जब दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए प्यार होता है, दोनों का एक दूसरे की तरफ से रिस्पेक्ट होती है, दोनों की एक दूसरे से एक दूसरे की वैल्यू होती है, उसी को रिलेशनशिप बोलते हैं। मैं भाई रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान तुम्हारे साथ तो है रिलेशनशिप में, बट साथ में वो अपने एक्स को ही बहुत ज्यादा चाहता है, तुम तो बस एक ऑप्शन की तरह तुम्हें ट्रीट कर रहा है। अब यहां पे इमोशनल फूल तुम हमेशा बनते हो मेरे भाई, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़के हो, लेकिन यहां तुम इमोशनल फूल बन जाते हो। पता हो क्यों बन जाते हो? क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से इतनी होती है ना इमोशनली, तुमको ये लगता है कि अगर तुम किसी के इंसान के साथ लॉयल हो, अगर तुम किसी इंसान को सिर्फ अपना फर्स्ट लव मानते हो तो वो भी तुमको अपना फर्स्ट लव माने, या जैसे तुम उसकी वैल्यू करते हो, जैसे तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जैसे तुम उसको अपनी लाइफ में हमेशा आगे तक के लिए चाहते हो, वैसे वो इंसान तुम्हें चाहे, बट एट द एंड होता वो है जो वो चाहते हैं। तो मेरे भाई तुम अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, जिंदगी जीने का कंट्रोल, वो ऐसे लोगों के हाथ तुम्हें मत दो भाई जो तुम्हारे होके भी तुम्हारे सगे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे रिलेशनशिप में तुम हो तो वहां पे तुम मॉनेटरी बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना मेरे भाई, और इमोशनल तो होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ऐसी जगह जहां पे तुम्हारी इमोशन की कोई वैल्यू ना हो। अबे यार एक चीज अपने दिमाग से समझना यार, तू क्या जिंदगी में इसलिए पैदा हुआ है या तू इस दुनिया में इसलिए आया है क्या? जहां पे तू दूसरों को अपना टाइम लूटा, तू दूसरे को रिस्पेक्ट लूटा, तू दूसरे को वैल्यू लूटा और खुद अपनी जिंदगी में चूतिया बन के रह जाए, तो क्या तू इसके लिए पैदा हुआ है मेरे भाई? तेरे को उस इंसान ने कठपुतली तो बनाया नहीं है, उस इंसान ने तुझे कहीं से पकड़ के डरा धमका के तो रिलेशनशिप में आया नहीं है। ये तू चाह रहा है ना भाई कि तू उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि वो लड़की तुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो लड़का तुझे अच्छा लगता है, तुम उनसे मेंटली फिजिकली दोनों अट्रैक्ट हो, तुमको उनसे हर वो चीज चाहिए जो तुम एक रिलेशनशिप में दूसरों को देख के अपने दिमाग में रखते हो कि हाँ मुझे फिजिकल सुख भी चाहिए, फिजिकल बेनिफिट भी चाहिए, मुझे इमोशनल बेनिफिट भी चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे मेरे वक्त पे पैम्पर करे। तो भाई लेकिन इन सब के लिए जो प्यार होता है ना, रिस्पेक्ट होती है, वो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए ना भाई। जब 50-50 रहेगा, जब 100-100 रहेगा, तभी तो मजा आएगा ना रिलेशनशिप का। या रिलेशनशिप का मजा तब आएगा जब तुम्हारी तरफ से 100% प्यार हो, सामने वाले की तरफ से बस खाना पूर्ति वाला प्यार हो, कि अगर तुम इंसान को 10 बार बोल दो आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तो इंसान तुम्हें बोल दे लव यू टू, यार बस हो गया। ऐसे रिलेशनशिप में तुम क्यों फंसे हो भाई जहां पे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई? और पता है ये सारी चीजें अगर मैं शॉर्ट एंड सिंपल में तुम्हें बताऊं, यहां पे जो तुम लेक कर रहे हो वो कर रहे हो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब ये होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है जब तुम्हें लाइफ में तुम्हें अपने एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, भाई इतनी मेरी बाउंड्री है लाइफ में, ठीक है ना, यहां मैं हूं इतना, यहां पे मैं हूं और प्यार मेरे यहां पे रहेगा। प्यार प्यार को तुम लोगों ने यहां रखा है और अपनी रिस्पेक्ट यहां रखी है, इसलिए तुम ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जिस वजह से लोग तुम्हें अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, लोग तुम्हें अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। जैसे कि ये जो तुमने प्रॉब्लम मुझसे शेयर की कि भाई मेरे को जो लड़की है वो सेकंड लव ट्रीट कर रही है, मुझे लड़का सेकंड लव ट्रीट कर रहा है और मेरे साथ रिलेशनशिप में हो के वो उस एक्स के बारे में बात करती है या करता है जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था या उसको किसी वजह से छोड़ दिया। भाई ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ तुम अभी रिलेशनशिप में हो ना, वो इंसान तुम्हें क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि भैया वो तुम्हारा ऐसा काटेगा ना भाई, तुम्हें ऐसा धोखा देगा, तुम्हें ऐसा डिच करेगा ना कि तुम्हारी जिंदगी पूरी हिल के रख जाएगी। भाई ऐसे लोग ही तो चीटर होते हैं जो लोग दूसरे के साथ होके भी दूसरे के चक्कर में लगे हैं। इसका मतलब ये है कि उस इंसान जिस इंसान जो तुम्हें प्रायोरिटी
नहीं दे रहा, जो इंसान तुमको लव नहीं समझ रहा अपना भाई, वो तुम्हारे जैसे चार और लोगों को अपने साथ फंसा चुका है इमोशनली। मेरे दोस्त, ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो लोग हमेशा अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए तुम्हारा चूतिया भी काट देते हैं और तुमसे अपना सारा काम निकाल लेते हैं। तुम अब अपने दिमाग से ये चीज सोचो कि वो इंसान तुमसे किस टाइप का काम निकालवा रहा है। क्या वो तुम्हारे साथ इसलिए रिलेशनशिप में ताकि उसका टाइम कट जाए, ताकि वो इतना टाइम काट ले जब तक उसको उसके जैसा इंसान मिल जाए। तुम्हें ये चीज खुद समझ आएगी अपने आप ही सही वक्त पे। तो भाई ऐसे लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करना अपना बंद करो मेरे दोस्त, जो इंसान तुम्हारा होकर तुम्हारा सगा नहीं है मेरे दोस्त। समझ आ रहा है मेरी बात? ये वीडियो तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, भाई दिमाग से थोड़ा सा समझो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट पहले है या तुम्हें किसी की लाइफ में एक कीड़े मकोड़े जैसा रहना है जिसने तुम्हें जब चाहे कुचल दिया पैर से अपने। भाई क्या तुम वो इंसान हो? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो भाई ऐसे रिलेशनशिप से टाटा बाय बाय करो, अपनी जिंदगी को उठाओ आगे मेरे दोस्त। कठपुतली मत बनो, ऐसा इंसान मत बनो जो तुम्हें कोई भी जहां चाहे वहां कुचल दे मेरे भाई, वो इंसान मत बनो मेरे भाई। ये एक जिंदगी है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो, बहुत मजा आएगा भाई। सुकून की तरह सो गए, अभी तुम सो नहीं पा रहे हो सुकून से। क्यों नहीं सो पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही है मेरे भाई। समझ आ रहा है? सुकून में सोना है ना भाई, चौड़े मर्द के सोना है ना, चाहे लड़का चढ़ के, उसके मैं बोल रहा हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट से जिंदगी जियो, ठीक है मेरे भाई? सेल्फ रिस्पेक्ट, और कोई वैल्यू ना करे तो क्या करना चाहिए? इस पर मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, देखो फाड़ो और जिंदगी में बल्ले बल्ले करो। चल।